साइलेंस फॉर आवर पबजी बैन गॉड <पप्ण>। भाई oh क्या क्या हो रहा है इंडिया में <laughs> भाई 118 सौ अट्ठारह एप्लीकेशन के साथ साथ पबजी भी बैन हो गया जस्ट अभी मालूम आप लोग को <laughs> मैं तो मतलब हैरान हो गया यार मेरे को अभी मुकेश भाई थोड़ी देर पहले फोन करके बोलते भाई सुना क्या पबजी बैन हुआ काइकले मजाक कर रहा है भाई बोलता नहीं भाई सही में बैन हुआ बोला भाई क्या हो रहा है भाई एकदम खतरनाक खतरनाक न्यूज आ रही है मैं बताता हूँ मतलब एक्चुअल रीजन क्यों बैन हुआ चलो जानते हैं सो ज़हीर एंड आर वॉचिंग टेक बुकन हो oh गई कुछ टाइम पहले अभी प्रेस रिलीज आई सही इंडिया की आईटी डिपार्टमेंट जो मेन आईटी डिपार्टमेंट है वहां से कि भाई ये जो कुछ ए, एक सौ अठारह एप्लीकेशन है वो सारे बैन हो गए मेनली उसके अंदर पबजी और पबजी लाइट था जस्ट इमेजिन पबजी और पबजी लाइट इज बैंड इन इंडिया भाई वो भी रीजन क्या दिया मैं पढ़ के बताता हूँ आप लोग को इन्वर्टेड कॉमर्स द एप्स आर इंगेज इन एक्टिविटीज विच आर प्रीजुडिशियल टू सावेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया द डिफेंस ऑफ इंडिया सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर दिस डिस टारगेटेड मूव टू इंश्योर सेफ्टी सिक्योरिटी एंड सावर ऑफ इंडियन साइबर स्पेस बेसिकली इंडिया की सिक्योरिटी के लिए इतना बड़ा बोल्ड मूव लिया गया अभी कुछ टाइम पहले टिकटॉक बैन हुआ था बहुत सारे एप्लीकेशन के साथ में उसके बाद भी कुछ एप्लीकेशन बैन हुए अभी ये भी बैन हो तो गया सोचो और अभी बहुत सारे मतलब एक सौ अट्ठारह एप्लीकेशन ऐसे जो बैन हुए भाई टू तो भी ऑनेस्ट मतलब भाई सिक्योरिटी है तो उस चीज के लिए बैन हुआ तो इट्स गुड मतलब आई सपोर्ट दिस डिसीजन बट यार एक मतलब वो होता है ना जैसे क्रिएटर के परस्पेक्टिव से सोचो दोज वर स्ट्रीमिंग दोज मतलब जिन्होंने अपना पूरा पूरा घर अपना पूरा पूरा लिविंग पबजी पे चला रखा था पिछले एक आध सालों से उनका क्या अभी उनको तो पूरा एकदम मतलब नए सर से सब कुछ शुरुआत करना पड़ेगा बेचारे मतलब अभी वो चीज़ें एक्चुअल में ऐसा होता है ना जैसे अभी कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है भाई डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट अब वो चीज़ें ऐसे मूवमेंट पे आके समझ में आती है भाई मतलब वो स्टेटमेंट का एक्चुअल वजन ऐसे मूवमेंट पे आके पता चलता है अब देखो कल को अगर गवर्नमेंट उठ के भाई यूट्यूब बैन कर देगी तो फिर तो हो गया ना कांड भाई देख रहे हो ना ऐसा ही हो रहा है जैसे तो कल को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम सब बैन हो गया तो क्या ठीक है डिसीजन इट वॉज गुड फॉर आवर कंट्री बट जो भी लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ अलग तरीके से करना चाहिए यार देखते क्या है कैसा है क्या होने वाला है अभी <laughs> भाई बेसिक रीजन तो यही था कि भाई सिक्योरिटी थी सबसे इंपॉर्टेंट और उस चीज के लिए बैन कर दिया गया पबजी को और भी बहुत सारे एप्लीकेशन को अभी आपको अगर देखना ना कौन कौन से एप्लीकेशन बैन हुए तो ये स्क्रीन देख लो तो so, हाँ गई ये सारे एप्लीकेशन थे जो बैन हो चुके हैं जी हाँ अभी आप अगर आपके फ़ोन में है तो फटाफट अन इंस्टॉल कर दो अगर आप अपने फ़ोन में ये एप्लीकेशन सब रखोगे तो वो इलीगल होगा समझ रहे हो रो ना अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछो ना तो भाई अगर आप कंट्री के हिसाब से देखो कंट्री के परस्पेक्टिव से तो देन इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन मतलब चाइना से तो वॉर ही रहा है ऑलमोस्ट सब सारे एप्लीकेशन चाइना के ही थे और अगर आप एक्चुअल में किसी क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भाई बहुत ही बुरा लगेगा उसको अब जैसे टिकटॉक भी बैन हुआ तो बेचारे कितने सारे अच्छे क्रिएटर्स जो थे टिकटॉक पे उनकी तो वाट लगे ना लेकिन ऐसा मानना है बहुत लोगों का कि भाई जो अच्छे क्रिएटर्स हैं उनको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वो कहीं पर जाएंगे फटाफट ग्रो हो जाएंगे लेकिन भाई जो इतने साल की मेहनत करने के बाद जो इंसान एकदम वो लेवल पर पहुंचता है उसके बाद अचानक से उसके हाथ से सब कुछ छीन लिया जाता है तो फिर उसको बहुत बुरा लगता है सी मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ आई एम नॉट अगेंस्ट दिस बैन बट सीन कल को यूट्यूब बैन हो गया तो क्या फिर तो हमारी तो लग जाएगी ना भाई हमारे जैसे और भी कितने सारे यूट्यूबर्स हैं उनकी भी लग जाएगी तो ये मतलब ये सोच क्या था आया, अगर मैं अपनी बात करूँ मतलब ना तो मैं टिकटॉक यूज़ करता था ना तो मैं पबजी खेलता था टिकटॉक से तो मेरे को एकदम देख के मेरे को चिड़ होती थी टिकटॉक को इतना गंदा मेरे को टिकटॉक लगता था टिकटॉक को मतलब टिकटॉक यूज़ करने वाले को मैं ऐसा एकदम पागल समझता था मतलब बेवकूफ़ समझता था बट उसमें भी कुछ थोड़े अच्छे क्रिएटर्स थे उसके बाद ना गई पबजी तो मैं खेलता ही नहीं था पबजी जो है ना गई वो मेरे लिए एक बेंच मार्किंग एप्लीकेशन था खाली उससे मैं फोन्स के मतलब फोन्स का बेंच मार्क फोन एक्चुअली में काम कैसे करते हैं उसके प्रोसेसर की पावर क्या है बस वो बेंच मार्किंग एप्लीकेशन की तरह मैं पबजी को यूज़ करता था मेरे भाई लोग बहुत खेलते थे भाई पबजी उनकी तो लगने वाली है बेचारे क्या सोचेंगे लेकिन ठीक है जो भी था ये मेरे को आपको एक छोटी सी बात बतानी थी आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा अगर नहीं भी पसंद आया तो भाई प्लीज़ खाली एक काम करो ये वीडियो को शेयर करो तो बहुत ज़्यादा लोगों को पता चले भाई क्या है क्या हुआ है क्यों पबजी बैन हुआ ऐसा नहीं तो पब्लिक सीधा कुछ भी कुछ भी करने लगती है भाई उल्टा थल्टा बोलने लगते तो यार जानना लोगों का बहुत जरूरी है पब्जी एक्चुअली मैं बैन क्यों हुआ सो so बस गई इतना ही बोला था मुझे इस वीडियो में उम्मीद करता पसंद आएगी शेयर कर दो तो लाइक कर दो तो, तो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी के आइकन को दबा दो ताकि फ्यूचर में इसी तरीके की बंदिंग क्वालिटी की टेक वीडियो आप लोगों को मिल रहे थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गई बाय